Hello? Am I audible? Hello. Everyone is on mute, right? So am I audible? I can hear you, Tapan. Is that you, Tapan? Hello. Yes, we can listen to you. No, oh, I can't hear you. Hello? नमस्कार सभी को आप लोगों को नमस्कार सर नमस्कार शिवा हाउ यू फाइन आई एम फाइन थैंक यू फाइन सुमन जी कैसी हैं आप एकदम फर्स्ट क्लास सर एकदम फर्स्ट क्लास सो नाइस टू सी यू वाइस और तपन ठीक हो तपन आवाज आ रही है हाँ जी सर आ रही है सर थैंक यू सो मच सर अरुण जी नमस्कार बस फर्स्ट क्लास मनीषा जी नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार अरुण जी नमस्कार तो पिछली बार जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे ये बताइए अच्छा सुमन जी आपने ये पहली क्लास देखी है या नहीं राज सर I couldn't see. मैं मैं बाद में जाके देखूंगी अभी आई जॉइन अच्छा बट आई न्यूमरोलॉजी ठीक है ये अरुण जी अरुण जी हाँ जी सर अपने आवाज म्यूट कीजिए आप यहाँ से आवाज बहुत आ रही है अच्छा तो कोई बात नहीं क्लास देख लेना मैं आपको ये क्योंकि सेकंड क्लास ही अब हमारी होगी जो वह है रिकॉर्डिंग तो आपके पास पहुंची हुई है ना आई डोंट थिंक नहीं आई है तो आई विल चेक रिकॉर्डिंग अगर नहीं आई हो तो मंडे uh, मैं ऑफिस में रहूंगा मंडे में आपको भेज दूंगा ठीक है ठीक नो प्रॉब्लम हम चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे अच्छा आप लोगों ने क्लास अटेंड करी थी तो कौन से नंबर पे हम लोग पहुंचे थे पिछली बार कुछ थ्री, थ्री, थ्री माइ थ्री से हाँ अच्छा, अच्छा आप थ्री है तो चलो ये? थ्री से स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं आपका मतलब जो रूट नंबर है वो तीन है है ना ट्वेल्व ट्वेल्व है तो ट्वेल्व थ्री अब थ्री वाले मतलब आप को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है मैं आपको थ्री से ही स्टार्ट कर देता हूँ इससे ही हम लोग आगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है मालूम होना चाहिए और आप भी जो करेक्टरिस्टिक मिले इसमें तो बताते रहिएगा नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। कैसी है? दिद्दिस, दिद्दिस। 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 सर अच्छा सुनिए आपको ठीक है आपके हाँ सर ठीक हूँ आप कैसे हो बस फर्स्ट क्लास आपने पहली क्लास अटेंड वो देखी थी पढ़ ली नहीं सर क्लिप देखी है सर अरे सिद्धि वो पढ़ लो उसको कैसे याद करोगे तुम लोग जी जी क्लिप देख ली है याद कर लिया है जी. याद कर लिया है ना बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और किरण जी क्या हाल है ठीक है जी सर बढ़िया बढ़िया वेरी नाइस वेरी नाइस आप दोनों को देखे तो बहुत ही अच्छा लगा चलिए आज हम नमस्कार आज आप हम पढ़ेंगे रूप नंबर तीन के बारे में के जिनका रूट नंबर तीन होता है यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ तीन है या इक्कीस है या बारह है या तीस है उन सबका रूट नंबर तीस होगा तीन हो, हो बारह हो तो बारह को दो और एक तीन हो गया इक्कीस हो टू वन प्लस थ्री थ्री हो गया और थर्टी थ्री प्लस जीरो थ्री हो गया तो जिनकी डेट्स थ्री है ट्वेल्व है ट्वेंटी फर्स्ट है या थर्टी है उन लोगों का जो रूट नंबर होता है वो थ्री होता है और थ्री नंबर का लॉर्ड होता है जुपिटर जिसे कहते हैं गुरु अब मैंने वैसे आप लोगों को बताया था कि रूट नंबर तीन की क्या क्वालिटीज होती हैं मैं थोड़ा आपको बता देता हूं ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे लोग जिनका रूट नंबर थ्री होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एम्बिशियस होते हैं उनके मन में रहता है कि कुछ बने कुछ करें लाइफ में डू नॉट लाइक टू वर्क अंडर एनी पर्सन और प्रेशर किसी कम आदमी के अंडर में काम करना नहीं चाहते या किसी से ऑर्डर लेना नहीं चाहते डू नॉट लाइक टू डू पैटी वर्क छोटे छोटे काम करना नहीं चाहते एंड ऑलवेज विशिश टू अचीव हाई पोस्ट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमेशा चाहते हैं कि अच्छी पोस्ट पे पहुंचे अगर घर में भी हैं तो उनको हमेशा रहता है कि वो घर में भी कंट्रोल करें घर में भी उनका कंट्रोल चले दे लाइक पीपल वर्किंग अंडर देम अपने नीचे काम करने वालों को देखकर पसंद होते हैं करते हैं एंड विश फॉर पावर एंड अथॉरिटी उनको हमेशा पावर अथॉरिटी चाहिए अगर उनको पावर अथॉरिटी मिलती है तो वो लोग बहुत सुखी होते हैं तो ये तीन नंबर वालों की केिस्टिक है लाइक्स डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत पसंद करते हैं क्योंकि तीन नंबर गुरु का है जैसे मैंने पीछे बताया कि तीन नंबर का स्वामी जुपिटर है जुपिटर से हम लोग क्या क्या देखते हैं जुपिटर से हम ज्ञान देखते हैं बुद्धि देखते हैं विवेक देखते हैं विजम देखते हैं धन देखते हैं संतान देखते हैं इस तरह की चीजें देखते हैं जुपिटर से तो जुपिटर से देखे आने वाली चीजें जो हैं वो सारी हम लोग न्यूमरोलॉजी में भी देखेंगे ये लोग ऐसे होते हैं समटाइम्स कैन बिहेव लाइक ए डिक्टेटर एंड पीपल टर्न इन टू देर एनिमीज कभी कभी ये ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई डिक्टेटर हो जिसके वजह से लोग इनके शत्रु बन जाते हैं एनिमी बन जाते हैं दे आर इंडिपेंडेंट पीपल डू नॉट लाइक इंटरफेरेंस डू नॉट लाइक गेटिंग ऑब्लाइज बाई एनी वन किसी से नहीं चाहते कोई उनको ऑब्लाइज करे रिश्वत वगैरह नहीं लेते ये प्रलोभन में नहीं आते मतलब रिश्वत में प्रलोभन में ये नहीं आते हैं कोई आदमी इनको सोचे कि कुछ ले दे के इनसे काम निकलवा लिया जाए तो ऐसा नहीं होता सो दे डू नॉट लाइक गेटिंग ऑबलाइज बाई एनी कैन एक्सप्लेन देअर थाट्स वेरी नाइसली हैंस कैन इंफ्लुएंस पीपल ईजीली ये लोग अपने थाट्स को अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से दिस, बता सकते हैं और इसलिए लोगों से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने साथ रहने वाले लोगों को ये बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं और इसलिए बहुत अच्छे काउंसलर भी बन जाते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे तीन नंबर वाले के पास भेज दो तो वो उसकी टेंशन रिलीव कर देगा समझा के सुमन जी कुछ कुछ चल रहा है आपके जैसा नहीं चल रहा है काफी कुछ काफी कुछ चल रहा है ठीक yes. है दे आर फाइनेंशियली लकी लेकिन थोड़ा कभी कभी मनी सेव करने में असमर्थ हो जाते हैं सेव नहीं कर पाते फाइनेंशियली बहुत लकी रहते हैं दे डोंट बॉदर टू मच अबाउट देयर फ्यूचर रिगार्डिंग मनी बट अगर फाइनेंस लो हो तो दे गेट टेंस तो वो थोड़े टेंस हो जाते हैं they are a bit selfish. Selfish, आप इसका अर्थ यह मतलब बहुत मामूली से सेल्फिश होते हैं और इतना मामूली सेल्फिश स्वार्थ तो हर किसी इंसान में होना जरूरी है नहीं तो लोग बेचे खा जाएंगे आज इसलिए दे डू नॉट लाइक टॉक टू पीपल होम दे नो आर ऑफ नो यूज टू दम अगर कोई उनके काम का आदमी नहीं है तो वो उससे बात नहीं ये खास बात होती है लाइक्स लग्जरी एंड स्पेंड्स फॉर इट लग्जरी पसंद करते हैं और उस पर खर्चा करते हैं ये इनकी खास बात होती है और क्या करेटरिस्टिक है तीन नंबर वालों की दे आर इजिली डिप्रेस्ड वेन एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके साथ रहती है अगर इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं प्राप्त हो पा रही है तो ये जल्दी डिप्रेस भी हो जाते हैं दे टेक केयर ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड डोंट लाइक गोइंग अगेंस्ट जो भी समाज के नियम हैं सामाजिक परंपराएं हैं उनका पालन करते हैं और उनके विरुद्ध नहीं जाते तो ऐसे लोग थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना पारंपरिक समाज की मतलब सामाजिक नॉर्म्स की चिंता करते हैं ऐसा नहीं कि समाज में हर चीज को छोड़ दो यार कुछ नहीं एक्सेप्ट करना जो कहता है कोई कुछ भी कहता रहेगा अब तो करना है तो करना वो वाली चीज़ भी थोड़ी कम होती है तो सोशल नॉर्म्स को ये लोग टेक केयर करते हैं डोंट लाइक देअर रिलेटिव मच अपने रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो सकता है किसी के में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो लेकिन ये ऐसा होता है फॉर बेटर अर्निंग्स दे इन्वॉल्व इन टू मोर देन वन वर्क बॉट ओफन फेल टू बैलेंस देम अच्छी अर्निंग करने के लिए क्योंकि फाइनेंशियली बहुत लकी होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन पैसा बचाने में इतने ज्यादा समर्थ नहीं होते तो इसलिए ये क्या करते हैं कि वो एक से दो एक से दो ज्यादा काम करते हैं इन्वॉल्व होते हैं मोर देन वन वर्क लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाते उनके बीच में आर ऑनेस्ट बहुत ईमानदार होते हैं इनमें ये खास बात होती है दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रैवल अगर ये ट्रैवल करे तो बहुत बेनिफिट मिलता है इनको मोस्टली देर फ्रेंड्स बिट्री देम एंड आर सेल्फिश इन लोगों के जो मित्र होते हैं अक्सर उनको धोखा दे सकते हैं तो बड़ा सावधान रहना है इनको जिनका नंबर तीन है उनके फ्रेंड्स उनको बिट्रे कर सकते हैं वेरी ऑफन दे फेस फेलियर इन लव बट फाइंड ए पार्टनर हु इज लॉयल एंड कंपैशनेट प्यार में सफलता मिलती है कोई इसमें दोरा नहीं है दे लव स्लीपिंग एनी टीम गुड फूड सोना और अच्छा खाना पसंद करते हैं लाइक्स टू स्टे इन ए ब्यूटिफुल हाउस अच्छे मकान में रहना चाहते हैं दे आर मोस्टली फॉर्म टू बी लायर प्रोफेसर लेक्चरार सोशल वर्कर शेयर ब्रोकर और इन टू रिलीजियस एक्टिविटीज मोस्टली ये लोग जो हैं या तो लायर होंगे प्रोफेसर होंगे घर में भी होंगे तो थोड़ा अच्छे तरीके से उपदेश देने वाले बच्चों को भी सबको सोशल वर्कर होंगे शेयर होकर तो इन लोगों को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा यह मैंने बताई आपको तीन नंबर की करेक्टरिस्टिक स्पिरिचुअल होते हैं अच्छे काउंसलर होते हैं ट्रूथफुल होते हैं सच बोलने वाले होते हैं ये पीछे बता दिया जस्टिस के लिए खड़े रहते हैं ये खास बात होती है इनमें जो ठीक है वो ठीक है जो गलत है वो गलत है चाहे किसी से ही भिड़ जाएंगे हाई मॉरल हाई मॉरल होता है सर रियल तो ये गुड इन अल प्लानिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं फूड लवर होते हैं फुल टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की इनको ध्यान देना चाहिए गुरु की राशि गुरु का नंबर है गुरु जो है वो फ्लैश को बताता है फैट को बताता है अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते आसानी से वो इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं जो कह रहे हैं जो वो कर रहे हैं वो सही है नॉलेज बहुत अच्छी होती है पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है अच्छे काउंसलर होते हैं अच्छे टीचर होते हैं अच्छे एडवाइजर होते हैं गुड रिजन मेकर होते हैं आर्गूमेंट्स को अवॉइड करते हैं और किसी भी इंसान का दिमाग ब्रेन वॉश कर सकते हैं बट इन पॉजिटिव सेंस गलत चीजों में नहीं राहु वाला नंबर भी जो है चार नंबर वाला वो भी किसी दिमाग का किसी के दिमाग का ब्रेन वॉश कर सकता है लेकिन वो गलत बातों में ले जाएगा पर गुरु नंबर वाला यानी जुपिटर का नंबर तीन जो है वो हमेशा अच्छी बातों के लिए उसका ब्रेन वॉश करेगा गुड फूड लवर ये प्रिकॉशंस हैं शुड स्पेंड टू मच जैसे इनको बोला गया कि स्पेंड करते हैं स्पेंड नहीं करना चाहिए किसी और की प्रोस्पेरिटी से किसी और की प्रॉपर्टी से नहीं जलना चाहिए थोड़ा स्टोमक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम इनको हो सकती है थायरॉय रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है जिन तीन नंबर वाले हैं रोज फल खाएं स्पाइसी फूड को अवॉइड करें लकी कलर लकी स्टोन यहाँ आप देख लीजिएगा आपके पास ये पीडीएफ नेक्स्ट क्लास में मंडे को पहुंच जाएगी क्या क्या आपके लकी कलर हैं लक स्टोन क्या है मंत्र क्या है इसमें अगर गुरु पीड़ित हो या ये नंबर आपका पीड़ित है ये नंबर कैसे पीड़ित होगा या नहीं होगा ये तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब ग्रेड पढ़ाएंगे एनालिसिस करना तो ओम ग्राम ग्रीन क्रोम सह गुरुवे नमः ये मंत्र होता है इसका. ऐसे वर्क, वर्क, इनके हो. अब रूट नंबर फोर, फोर है राहु का एस्ट्रोलॉजी में जितने भी हमारे क्लास में लोग हैं सब ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो रूट नंबर चार से राहु की करेक्टरिस्टिक को ध्यान करते हुए कोई एक चीज बताइए सब लोग गुड प्लानर वेरी नाइस कंफ्यूज वेरी वेरी नाइस कंफ्यूज रहते माइंड कॉन्सेंट्रेट hmm. uh, नहीं जाता एक जगह पे बहुत सारी जगह डाइवर्ट रहता है माइंड यस भ्रम की स्थिति रहती है बिल्कुल किसी चीज के लिए जल्दबाजी जल्दबाजी यस बहुत जल्दबाजी करते हैं किसी भी चीज के लिए वेरी नाइस nice. और एक्सट्रीम मतलब प्लान बना लेते हैं मतलब तो, हाँ. कोई भी प्लान हो चाहे वो गलत चीजों के लिए हो चाहे अच्छी चीजों के लिए हो तो एक्सट्रीम प्लान बनाते हैं बिल्कुल ओवर थिंकर ओवर थिंकर और बोलिए सारा आप लोग बता देंगे तो मैं तो कुछ बताई नहीं पाऊंगा आपको तो आपने तो बताई दिया सारा करीब करीब और चार नंबर वालों सोचिए आपके आसपास चार नंबर वाला कौन है आपका कोई रिलेटिव आपका कोई घर का मेंबर चार नंबर जिसकी चार डेट ऑफ बर्थ हो या जिसकी बाईस डेट ऑफ बर्थ हो या जिसकी इकतीस डेट ऑफ बर्थ हो या जिसकी तेरह तारीख डेट ऑफ बर्थ हो कि दूसरा आगे काफी हद तक ठीक है अगर चार नंबर नेगेटिव हो ग्रिड के अंदर किसी में अभी ग्रिड पढ़ाऊंगा मैं आपको पढ़ाई नहीं तो सुमजय की बात बिल्कुल सही है ऐसे लोग किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते तो चार नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल भी रहता है ये ध्यान रखिए एंड देयर लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस चार नंबर वालों को जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है उनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है इसे लोग समझ नहीं पाते उनको बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते हैं कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा स्पैंड लॉट फॉर शो ऑफ शो ऑफ के लिए बहुत स्पेंड करते हैं राहु वाले ये देखे बिना कि भाई तुम्हारे पास पैसा बचेगा नहीं बचेगा पैसा है या नहीं है स्पेंड बहुत करते शो ऑफ बहुत होता है उनके अंदर इसलिए पैसा खर्च करते हैं इसलिए पैसा खर्चा होता है इसलिए उनके पास पैसा कम बचता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है उनकी लाइफ में दे आर वेरी शॉर्ट टैपर्ड दे लाइक टू वर्क टूवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स हमेशा सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे ये चेंज होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए ये बदलना चाहिए वो बदलना चाहिए और उस दिशा में काम भी करते हैं कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं दे हैव अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स बट कैन लूज मनी आल्सो इन नो टाइम उनको फाइनेंशियल गेन्स बहुत आराम से अचानक हो सकता है अचानक धन मिलना राहु की क्वालिटी होती है राहु दूसरे भाव में हो तो अचानक धन दिलवा सकता है राहु चौथे भाव में केंद्र में बैठा हो तो प्रॉपर्टी दिलवा सकता है आगे जब मैं न्यूमरोलॉजी से आपको दशा ये सब बताऊंगा तो मैं आपको दोनों चीज दिखाऊंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी कुंडली दिखाऊंगा और इससे भी कुंडली एग्जामिन करना बताऊंगा तो आपको दोनों चीज से आइडिया हो जाएगा they do not share their secrets with anyone, not even their spouses. अपने secrets को किसी से बताते नहीं है इवन अपनी पत्नी के साथ अपने आप के साथ Their decision power is low as their intelligence is too high. बहुत ज्यादा intelligent होते हैं यस यू कहें कि intelligent मानते हैं अपने आपको लेकिन होते हैं इसमें कोई doubt नहीं है चार नंबर वाले intelligent होते हैं इसलिए डिजन देने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये करें यह करें ये करें, ये करें क्या करें क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं और इस चक्कर में कई बार पेटीजन भी ले जाते हैं हमेशा एक से ज्यादा कामों में उलझे रहते इन ओल्ड एज दे हैव टू स्ट्रगल फॉर मनी अपनी जो बीती जो बुढ़ापे की उम्र है उसमें अगर ये शौक पे पैसा खर्च करना नहीं बंद करेंगे तो इनको मनी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा दे वुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम पेरेंटल प्रॉपर्टी नाइदर वुड दे गेट एनी हेल्प फ्रॉम सिबलिंग्स और देयर ओन चिल्ड्रन अपने भाई बहनों से अपने रिश्तेदारों से आपको कुछ भी मिलने की उम्मीद मत कीजिए ना आपके बच्चों से आपको मिलने की कुछ उम्मीद करनी है चार नंबर वालों को ये ध्यान रखना है किसी का चार नंबर है हमारी क्लास में so, मेरा मम्मी का है सर लास्ट टाइम मैंने ऐड करके बता दिया था वन वो गलत था चार नंबर में डेट ऑफ बर्थ फोर है मेरी अच्छा ठीक है तो, मेरा और मम्मी का भी है सर अच्छा तुम्हारा और मम्मी का भी है दोनों का वेरी नाइस वेरी नाइस तो चार नंबर तो so, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है तुम्हें है ना जरा सा जी सर स्थिति तुम्हारा चार है हाँ

सर मेरे ना ऑफिस में ना एक इशू चल रहा है सर मैं ना पांच मिनट में आता हूँ इस कॉल में आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए ठीक है जस्ट मैं इन्फॉर्म कर रहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थैंक्स सर थैंक्स थीक, थीक, बहुत बढ़िया स्पीकर होते हैं कन्विंस करने वाले होते हैं अगर कोई गलत चीज भी चल रही हो गलत चीज के लिए भी मगर किसी को गलत बिगाड़ना है तो इनसे अच्छा नहीं बिगाड़ेगा कोई गलत कन्विंस भी कर देंगे इसको किसी को सुधारना है तो इनसे अच्छा कोई नहीं सुधारेगा इनसे अच्छा कन्विंसर कोई नहीं होता बहुत बढ़िया समझाते हैं बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं थोड़े एगोस्टिक होते हैं स्टपब बॉन होते हैं थोड़े ढीठ भी होते हैं रिस्क टेकिंग एपेबिलिटी इनकी बहुत होती है ये अच्छी बात है बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं होते हैं कोई दिक्कत नहीं है मेटरलिस्टिक होते हैं मेटेलिस्टिक लाइफ को पसंद करने वाले होते हैं स्पैन थ्रिफ्ट होते हैं स्पैन थ्रिफ्ट मीन्स के खर्च करने वाले होते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है अक्सर लोग इन्हें गलत समझ जाते हैं ओसीडी का मतलब पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको नो नो वो, सर। सर, वो चीजों को जो परफेक्ट जगह पे रखना हाँ ऑब्सेसिव क्लिन क्लीनिंग डिसऑर्डर बोलते बोर, हैं, बोर, हैं सो. हाँ. मतलब बहुत ज्यादा परफेक्शन में बिलीव करना इस तरह के लोग ये हो जाते हैं है ना अगर ये परफ्यूम लेना है तो यही लेना है कोई दूसरा परफ्यूम नहीं लेना ये प्रॉब्लम होती है रिस्क टेकर होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि राहु तो भ्रम का नंबर है ही है जिनका चार नंबर है वो ये ना सोचे कि भाई मेरा तो कुछ तो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है वो ठीक है कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा वो इसलिए नहीं मिलेगा कि आपका डेस्ट्री नंबर कुछ और होगा तो डेस्ट्री नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में आप लगन देखिए और राशि देखिए दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक देखिए और दोनों से मिक्स करके बताइए लेकिन अभी हम रूट नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं फिर हम डेस्ट्री नंबर के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे तब आप जब ग्रिड को एनालाइज करेंगे तो आप एक्चुअल किसी के बारे में उसकी पिक्चर खींच देंगे कैसा इंसान कई बार गुस्से में मतलब इलॉजिकल भी बोल जाते हैं इसके बैकेट में लिखा हुआ है ट्रंप जैसे डोनाल्ड ट्रंप था एक बार फिर इंडिया को बोल दिया था आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इंडिया ऐसे करके पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी कुछ नहीं थी कोई बात नहीं थी बस वैसे ही बोल दिया तो कई बार इनके साथ ये होता है नॉट फॉलो द रूल ऑफ सोसाइटी ट्राई टू मेक देयर ओन रूल्स ये इनके अंदर आदत होती है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी ऐसे लोगों के फॉरेन ट्रेवल बहुत होते हैं चार नंबर ट्रेवल का नंबर है चार नंबर और सात नंबर जिनका चार नंबर रूट नंबर है और सात नंबर रूट नंबर है वो ट्रेवल का नंबर है बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं बहुत किसी भी चीज के प्रति बहुत पैशन होता है हम जानते हैं कि राहु जिस घर में हो उस घर से संबंधित चीजों के ऊपर वो पैशन रखता है बहुत ज्यादा टलीग्रिमेज तीर्थयात्री भी होते हैं स्पिरिचुअल भी होते हैं वांट फेम एंड सक्सेस चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस मिले सफलता मिले इंटेलिजेंट तो इतने कि ओवर इंटेलिजेंट बोल देते हैं लोगों ने कई बार मोर थिंकर सोचने वाले होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सारे हों तो उसकी फ्रीक्वेंसी खराब होने की ज़्यादा रहती है और ऐसे लोग इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बहुत पसंद करने वाले इलेक्ट्रॉनिक गजेट होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान इनको मिल जाए बहुत पसंद करते हैं कई बार अन्य एक्सपेंडिचर कर जाते हैं और सीक्रेसी बना कर रखते हैं कीप सीक्रेसी इन लोगों को मैनेज कैसे करना है दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैकल ऑनली शेयर लव एंड अफेक्शन इनको आप लव और अफेक्शन के साथ ही टैकल कर सकते हैं जिसका चार नंबर हो उसको आप गुस्से में सोचो टैकल करने का या आप उससे आर्गूमेंट करके सोचो टैकल करने का क्योंकि होशियार तो बहुत होते हैं तो आपके आर्गूमेंट्स को तो एकदम फेल कर देंगे तो टैकल नहीं होंगे नाराज हो जाएंगे तो ये है चार आप सोचिएगा कि आपके घर में आपके रिलेशन में या आप में किस पर चार नंबर है

प्रिकॉशन hmm. क्या है इनके लिए कि इनको खर्चे पे लगाम लगानी है डो नॉट स्पेंड मच सेफ फॉर योर फ्यूचर स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल इड लर्न टू अप्रीशिएट दस लोगों को क्रिटिसाइज मत करो उनको उनकी प्रशंसा करो उनकी तारीफ करो अपने टेम्पर को कंट्रोल रखो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल रखो और हमेशा एक लविंग एनवायरमेंट बना के रखो घर के अंदर डू नॉट ट्रस्ट एनिमन क्योंकि चार नंबर वालों का ट्रेवल बहुत होता है मैं बताता हूं आपको चार नंबर वाले ट्रेवल बहुत करते हैं तो ऐसे ट्रेवल में इनको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इन्हें धोखा दी जाए तो हर किसी पे अजनबी पे विश्वास नहीं करना चाहिए टेक केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर चार नंबर वालों का ब्लड प्रेशर थोड़ा बड़ा होता है उनको ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखना होगा बिवेयर ऑफ एनिमल्स विद हॉर्न जानवरों से थोड़ा बचना होता है ऐसे लोगों को टेक प्रिकॉशंस फॉर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड कोल्ड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इनको ज्यादा होती है वो प्रिकॉशन इनको ले लकी कलर हैं मंत्रा है अगर किसी का चार नंबर पीड़ित है वो पीड़ित कैसे होता है वह मैं आपको आगे बताऊंगा तो उस टाइम में आपको लॉर्ड गणेश की पूजा करनी है और मंत्र है ओम राम भ्रीम ब्रह्म सब राउे नम तो ये आपको देखना है रूट नंबर पांच रूट नंबर पांच होता है बुद्ध का उसका स्वामी बनता है बुद्ध अब बुद्ध ग्रह को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि क्या चीज हम रूट नंबर पांच वालों से देखते हैं जिनका रूट नंबर फाइव है वॉट विल बी दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हु हैव रूट नंबर है इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कैलकुलेटिव सर वेरी गुड गुडर्स हाँ हाँ वेरी गुड बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस बिजनेस अच्छा। करते हैं अच्छा वेरी गुड इन बिजनेस वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत अच्छा ऑलवेज कम विद अ वेरी यूनिक थॉट न्यू थॉट्स हम्म एग्जैक्टली एंड वेरी मतलब जोश बहुत होता है इनमें क्विकनेस बहुत होती है टू डू एनीथिंग हम्म एग्जैक्टली और कोई बताइए मैथ्स से रिलेटेड चीजें अच्छी करते हैं अच्छी करते हैं बिल्कुल सही बात है बुद्ध जो है अकाउंटेंसी का भी होता है अकाउंट्स के बारे में बताता है तो अकाउंटेंसी अच्छी होती है इनकी वो तो अच्छा हो गया तो अकाउंटेंसी इनकी अच्छी रहेगी इसमें कोई बात नहीं है उनका स्पीच लेवल बहुत अच्छा होता है वेरी नाइस वेरी नाइस अगर बुद्ध अच्छा है कुंडली है। में तो आपकी उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है बहुत अच्छी रहती है हाँ अगर बुद्ध खराब है कुंडली में तो वाणी गड़बड़ हो जाती है अब बुद्ध कैसे अच्छा होगा कैसे खराब होगा यह आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग काफी कुछ याद है आपको तो रूट नंबर पांच वाले जो लोग होते हैं वेरी क्योंकि रूट नंबर पांच क्या है बुद्ध है बुद्ध क्या है वो युवराज है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सूर्य को राजा कहा गया है चंद्रमा को भी राजा कहा गया है मंगल को सेनापति कहा गया है ऐसे बुद्ध को युवराज कहा गया है. तो बहुत ही एक्टिव होते हैं क्योंकि बच्चा एक्टिव होता है बच्चे में एनर्जी जो होती है भरपूर होती है वेरी ब्रिलियंट होते हैं जैसे बताया आप लोगों ने कैन एज कैन जज एनी वन विद मेंटल पावर किसी को भी अपनी मेंटल पावर से जज कर सकते हैं दे विस्ट टू कंप्लीट एवरी वर्क इन दॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमेशा किसी भी काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं बच्चे की आदत है कि जो चीज करनी है तो फटाफट करो उसको उनमें तो वेट तो होता नहीं है उनसे लव टू डू वर्क दैट कैन अर्न दैम गुड बनी इन ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिसमें पैसा जल्दी समय में मिले यानी बिजनेस टैक्टिस इनकी बहुत अच्छी होती है बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं अगर किसी को कुंडली में आपने देखना है कि ये बिजनेसमैन बनेगा या नहीं तो न्यूम्रोलॉजी में उसका पांच नंबर भी चेक कर लीजिए ग्रिड में उसके पांच नंबर है या नहीं है या दशा में उसके पांच नंबर की दशा आ रही है या नहीं आ रही है अगर ग्रिड में उसके पांच नंबर है और दशा पांच नंबर की आ रही है तो आप उसको एकदम बोल दीजिए भैया तू तो बिजनेस कर ले काम बन जाएगा तेरा। तो ये भी है, तो जब को और आप न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी तो सब कुछ है न्यूमरोलॉजी उसको सपोर्ट करने के लिए है के आप, कि आप चूंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते तो कई बार हम लोगों को न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है ताकि अक्सरलॉजी अच्छा को समझ सके तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे हम लोग कुंडली देखेंगे और कैसे फिर हम लोग न्यूमरोलॉजी भी देखेंगे दे कैन अर्न वेल बाय न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ये उनके अंदर कर सकते हैं ये। कोई भी काम या कोई भी मनी अर्न कर सकते हैं बाय न्यू इन्वेंशन ये इनके अंदर करेक्टरिस्टिक है इनकी मेन लव टू डू वर्क कैन अर्न गुड मनी इन लेस टाइम ऐसा काम करना पसंद करेंगे जो बहुत जल्दी मनी मिले तो कम समय में तो ऐसा काम करना बहुत जल्दी पसंद करते हैं बिजनेसमैन होते हैं बहुत बड़े अब जैसे बच्चा है बच्चों को ये बात कहराते रहो बेटा देखे ऐसा करियो वैसा करियो नहीं मानेगा बेटा पढ़ाई करना ठीक से थोड़ा मानेगा फिर बोलोगे अच्छा तुझे मैं पीएस दिलवाऊंगी या तुझे मैं ये दिलवाऊंगा तुझे क्रिकेट की के, क्रिकेट के दिलवाएंगे तो बहुत तेज काम शुरू कर देगा कि बच्चे में आदत होती है वो चाहते हैं कि ज्यादा अर्न करना इन लेस टाइम और नई नई इन्वेंशन को डिस्कवरीज को पसंद करने वाले होते दे में भी इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केटिंग और बैटिंग सट्टे में और शेयर मार्केट में ये लोग बहुत होशियार होते हैं बड़ा अच्छा है इनको पैसा मिलता है अगर पांच ग्रिड में किसी के है पॉजिटिव फाइव है पॉजिटिव फाइव क्या होता है नेगेटिव फाइव क्या होता है वो तो आगे बताएंगे लेकिन पॉजिटिव फाइव जिड़ में है किसी के या उसकी दशा पॉजिटिव फाइव की आने वाली है तो ऐसा मनुष्य को आप कह सकते हैं कि यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी दे हैव मोर देन वन इनकम सोर्स दे हैव ए चांस ऑफ गेटिंग मनी अनएक्सपेक्टेड लाइक इन लॉटरी उनको चांस होता है कि अचानक से कुछ पैसा मिल जाए लॉटरी लग जाए का उनका जो भाव है वो बहुत अच्छा है पांच नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं पांच नंबर है किसका बुद्ध का क्योंकि शेयर मार्केट इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है बुधवारों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहता है तो इनको ऐसा सोच सकते हैं कि इनको मनी कहीं से अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बच्चे ऐसे होते हैं उससे बच्चों का थोड़ा नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है तो इनको थोड़ा डील बड़े आराम से करना चाहिए कैन इवन लीड टू नर्वस ब्रेकडाउन दे बेनिफिट थ्रू ट्रेवल बाय द टाइम दे आर ट्वेंटी थ्री दे आर फेट बिगेन टू राइज एंड रिच इज द पीक बाई थर्टी टू तेईस साल की उम्र में उनका भाग्य बनना शुरू होता है और बत्तीस साल की उम्र तक जा जाते वो पीक पर पहुंच जाता है हाउ टू मैनेज गिव इंसेंटिव बच्चों का तो यही है उनको आप हमेशा वैसे मैनेज करोगे तो ठीक है एक बार आपकी बात मानेंगे दो बार आपकी बात मानेंगे लेकिन उन्हें मालूम हो कि कोई इंसेंटिव मिलना है तो फटाफट बात मानेंगे आपकी तो ये भी होता है कि उनको मैनेज करने के लिए ऑलवेज गिव सम इंसेंटिव always पुट सम इंसेंटिव इन फॉरवर्ड टू them, इन फ्रंट ऑफ them, तो वो अच्छा करते हैं तो ये तो बात रही स्ट्रेस में उनको नहीं देना चाहिए ये मैं लिखा है कि थोड़ा नर्वस सिस्टम उनका इफेक्ट हो सकता है जल्दी तो उसको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बाकी अगर आप उनको ठीक से मैनेज करते हो तो बहुत होशियार बहुत अच्छे बिजनेसमैन बहुत अच्छी चीजें सारी इसके अंदर होती है ये मैंने आपको बता दिया चंचल होते हैं वी नो दैट बच्चे बहुत चलचल होते हैं चीज़ों को छुपा कर नहीं रख सकते आप बच्चों से कह दो कि उसको कह देना भाई पापा घर में नहीं है तो वो बता देगा जी पापा कह रहे हैं घर में नहीं तो ये प्रॉब्लम होती है वो तो छुपा नहीं पाते चीज़ों को पैसे का अच्छा रखा करते हैं ये खास बात होती है बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं लकी होते हैं लेकिन एनजाइटी प्रोन भी होते हैं जो पांच नंबर वाली डेट वाले होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं संबड़ी हज टोल्ड डेट कि वो कैलकुलेटिव भी होते हैं बिल्कुल सही बात है क्योंकि बिजनेस माइंडेड है तो कैलकुलेटिव भी होगा दे डू नॉट लाइक रेस्ट्रिक्शन बच्चा अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहता तो इन लोगों की टेंडेंसी है पांच तारीख वालों की कैट ओल्ड इजिली बच्चे क्या है कि बच्चे घर पे किसी गए बोल हो रहा हूँ कुछ खिलाओ मुझे या मैं कुछ खेलना चाह रहा हूँ या टीवी चला लूँ या कार्टून चला लूं कुछ चला लूं अगर उनकी पढ़ाई नहीं चल रही तो तो गैट बोर्ड इजी लव टू ट्रैवल ट्रैवल पसंद करते हैं एडवेंचर पसंद करते हैं स्टपबॉर्न थोड़े ढीठ होते हैं आप ग्रह से देख के चलेंगे ना आपको चीजें अपने आप मालूम पड़ जाएंगी कि ग्रह क्या है ये युवराज है बच्चा है कम्युनिकेशन स्किल और गुड बुद्ध वाणी का कारक है तो स्किल अच्छी हो गई माइजर बिजनेसमैन है तो माइजर होगा टिट फॉर टैट हैबिट होती है बच्चे ऐसे होते हैं ना कि तूने मेरे साथ ये किया तो मैं भी तेरे साथ ये करूंगा लेकिन एंजाइटी उन्हें जल्दी होती है और अगर पांच नंबर आपका नेगेटिव हो ग्रिड में तो फंड मैनेजमेंट की जगह मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड हो जाता है एडजस्टेबल होते हैं लकी होते हैं बिज़नेस स्किल बहुत अच्छी होती है इनकी मैथ्स एंड कॉमर्स एक्सपर्ट होते हैं बच्चा थोड़ा सेल्फिश भी होता है हल्का सा तो वो हल्का हल्का सेल्फिशनेस भी है ऐसा नहीं कि वो सेल्फिशनेस कोई नेगेटिव है यहाँ पे थोड़ी एलर्जिक होते हैं डिप्रेशन प्रोन होते हैं तो पांच अगर किसी का नेगेटिव है ग्रेड के अंदर तो ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन प्रोन होते हैं हमारे यहाँ कोई पांच नंबर वाला है सर... 70 बात हाँ, से से बाकी, बाकी चौदह हाँ, 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 तो तारीख वाले, वाले या तेईस हाँ, अच्छा तो बैच करता है कुछ फिफ्टी सिक्स कर रहा है तो हाँ थोड़ा अब आपको समझ गए कि आप कैसे इन लोगों को कर सकते हैं मतलब मैनेज कर सकते हैं गिव इंसेंटिव दूध है आप हमेशा इंसेंटिव ऑफर कीजिए उनको बी अवे फ्रॉम सैड इन्वायरमेंट एंड प्लेसिज मेक यू सैड ऐसी जगह उनको मत ले जाइए जहां सैड एनवायरमेंट हो या सैड हो उनके दोस्त जो है निराशावादी नहीं होने चाहिए अरे क्या करूं मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा मैं तो ये काम हो रहा है मैं तो वो काम हो रहा है ऐसे लोगों के साथ मत बैठा हो क्योंकि एग्जायटी प्रोन होते हैं थोड़े थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी होता है तो हाई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम इनको हो सकती है नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है शुड टेक ए मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक इनको लेना चाहिए ब्लड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है कि बुद्ध जो है उस त्वचा कारक भी है इस स्किन का कारक भी है शुड हैव बैलेंस डाइट दे आर प्रोन टू फीवर कोल्ड इसलिए कुछ विटामिन या मल्टी विटामिन इनको लेते रहना जरूरी है कुछ न्यूट्रंस अवॉइड एक्सेज यूज ऑफ साल्ट साल्ट का ज्यादा एक्सेस यूज नहीं करना इन लोगों को लकी कलर्स लकी स्टोन तो आप पढ़ लीजिएगा मंत्र वगैरह सब कुछ ये चीज़ इसमें दी हुई है क्या इनके फेवरेबल प्रोफेशन है ये सब पी आपके पास जाएगा वो आप पढ़ लीजिएगा उसको पढ़ाने की आवश्यकता आपको है अब हम लोग आएंगे छह नंबर पे. एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा मैं आपको जी अब छह नंबर पे आते हैं हम लोग छह नंबर होता है शुक्र का वीनस का वीनस कैसा ग्रह है वीनस क्या है ये हम लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है तो छह नंबर वाले लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ छ है या चौबीस है या पंद्रह है ऐसे लोग कैसे होते होंगे आपके हिसाब से कोई भी एक एक क्वालिटी बताइए सर सर लग्जरी लाइफ जीने जीने वाले वाले यस बिल्कुल ठीक है डांस या म्यूजिक में इंटरेस्टेड होंगे वेरी नाइस वेरी वेरी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक पर्सन लाइक लग्जरी बिल्कुल ठीक है एंड ऑलवेज थिंक

बहुत अच्छा स्पेंड करते रहते हैं मतलब खर्च करना उनको बहुत पसंद है पर लग्जरी चीजों पे हाँ लग्जरी पसंद है तो खर्च करना पसंद है ब्रांड ओरिएंटेड होते हैं बहुत ब्रांड लवर होते हैं ठीक है वेरी नाइस nice. आप लोग काफी जानते हैं तो हम लोग आगे चलते हैं छह नंबर पे इसका आगे ये लोग अपने जितने भी एसेट्स हैं ये बहुत डेकोरेट करके रखना चाहते हैं घर में जो भी इनके फर्नीचर होगा एसेट्स होंगे बहुत क्रिएटिव होंगे और उसको डेकोरेट करके जाएंगे क्योंकि इनको बहुत पसंद है डेकोरेशन इनको लग्जरी पसंद है तो अगर पैसा कम भी है तो उसके अंदर भी ऐसे आइटम को वो ऐसे डेकोरेट करेंगे कि आप उनके घर में घुसोगे तो आप कहोगे भाई कहीं आए हो लेवल के हिसाब से लव्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड ब्राइट कलर्स अच्छी पिक्चर को अच्छी सीनरीज को और ब्लैट कलर्स को पसंद करते हैं लव टू ट्रैवल ट्रैवल को लव करते हैं बहुत नेचर।, नेचर से थोड़े अनस्टेबल होते हैं डू नॉट थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू मच किसी एक ही सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है सोच नहीं करते लव्स टू लुक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं क्योंकि छह नंबर है शुक्र का शुक्र ब्यूटीफुल है कामना है सुंदरता है सेक्स है वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लोथ्स इवन इफ फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड अदर्स कैन नॉट जज इट बिकॉज ऑफ द वे दे कैरी दमसेल्व जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गरीब भी है पैसा कम भी है तो भी आपके सामने ऐसा बिहेव करेंगे ऐसे रहेंगे कि आप उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा सही से नहीं लगा सकते सफेद रंग को पसंद करते हैं शुक्र है सफेद रंग को पसंद करता है ऐसा ठीक है स्माइलिंग फेस लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो किसी को अप्रिशिएट नहीं करते कभी। गुस्से में आते हैं तो दे कैन सेक्रीफाइस Anything for their own love, for one they love basically मतलब kehna क्या है कि दो नंबर sentiments का इमोशंस का नंबर होता है हमने पढ़ा था पीछे छह नंबर भी इमोशंस का नंबर होता है ये फैमिली इमोशंस का होता है कहते हैं ना कि मर जाऊंगा मार दूंगा अगर कुछ किसी को इसको कुछ हो गया तो इस तरह की टेंडेंसी होती है छह नंबर वाले जिसको प्यार करते हैं उसको लेके बहुत ये वो हो जाते हैं फैसलेट हो जाते हैं उसको चाह उसको चाहेंगे कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए बस और जो नुकसान पहुंचाएगा वो छोड़ते नहीं ये छह नंबर वालों में जो वीनस है शुक्र है उसकी आदत होती है ब्रांड लवर्स होते हैं जैसे सुमन जी ने बताया था कि कपड़े पहनने हैं तो एलन सोली के पहनने हैं बैन हुसैन के पहनने हैं अच्छी किसी ब्रांड के पहनने हैं क्रिएटिव होंगे पॉपुलर इन अपोजिट जेंडर क्योंकि शुक्र जो है वो सेक्स का कारक भी है सुंदरता का कारक भी है तो पॉपुलर होते हैं अपोजिट जेंडर में लड़कियां हैं तो लड़कों में प्रिय होती है लड़के हैं तो लड़कियों में प्रिय होती गुस्से में ये हार्श वर्ड बोल जाते हैं गुस्से में इनकी लैंग्वेज पे इन्हें कंट्रोल नहीं होता ये मैंने पीछे बताया पोजेस्टिव होते हैं बहुत फूड लवर होते हैं पोजेस्टिव क्यों है पोजेस्टिव इसलिए कि मैंने बताया कि फैमिली मोशन इनमें ज्यादा होते हैं तो किसी के लिए पोजेस्टिव भी बहुत रहते हैं फूड लवर हैं खाना पीना पसंद करते हैं अगर चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम होती है चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम कब अगर नंबर आपकी कुंडली में नेगेटिव है या आपके ग्रिड में नंबर नेगेटिव है या आपकी दशा में ऐसा सिक्स आया कि जिसने आपके सिक्स नंबर को नेगेटिव बना दिया तो उस केस में चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है उस केस में लिटिगेशन भी हो सकता है ऐसे केसेस में अगर छह नंबर आपकी कुंडली में या आपके ग्रिड में इफ इट इज़ नेगेटिव तो चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये हो सकती है विल ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन अदर पीपल थोड़ा आदत होती है इनकी कि दूसरे लोगों में फॉल्ट को ढूंढना ये थोड़ी आदत होती है इंटेलिजेंट होते हैं सेक्रीफाइसिंग नेचर होती है इनकी बहुत इसमें कोई डाउट नहीं है सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और जिसको पसंद करते हैं उसके लिए तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर इमोशंस का है इमोशंस के दो नंबर होते हैं दूसरा और छठा एक सातवां भी होता है दूसरा नंबर तो वैसे ही इमोशनल होता है आदमी चंद्रमा का नंबर है तो इमोशनल होता है छठा नंबर जो होता है वो थोड़ा फैमिली इमोशंस का बहुत होता है फैमिली को बहुत पसंद करते हैं इसलिए जल्दी उनको वो भी हो जाता है एन्जाइटी प्रोन भी हो जाते हैं और ऐसे लोग एडिक्टेड भी हो जाते हैं क्योंकि एंग्जाइटी प्रोन होते हैं अगर छह नंबर नेगेटिव है कुंडली में कुंडली में मीन्स ग्रिड के अंदर या आपकी दशा में नेगेटिव सिक्स की दशा आ रही है आपकी तो उस केस में हो सकता है कि आपको एंगजाइटी हो जाए और एंग्जाइटी होती है तो आदमी को नशे की आदत भी लग जाती है मे भी बहुत एग्रेसिव होते वेरी अट्रैक्टिव होते बाय ब्यूटी और शो कहीं पे ब्यूटी देखेंगे या कहीं पे बहुत मतलब लग्जरी देखेंगे तो उससे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएंगे कि यार बहुत बढ़ जाए फैशन पसंद करने वाले होते हैं छह नंबर में हमारे हा वाला कोई है हमारे यहाँ छह नंबर हो चौबीस नंबर हो पंद्रह नंबर हो डेट ऑफ बर्थ सर एक चीज पूछनी थी हाँ सर जैसे कोई बच्चे जब ये परेशानी होती है डिप्रेशन में उसको स्लीपिंग पिल्स देते हैं सेडेशन देते हैं क्या वो भी एक तरीके से तो नशे नशे की टेबलेट है ना वो भी वो भी देखिए डॉक्टर दे दे कह देते हैं हाँ वो भी देखिए वो भी होता तो है लेकिन वो ये है कि वो चलो मेडिसिन है एक एक लिमिट तक वो मेडिसिन है लेकिन उसके बाद वो फिर एंजाइटी वो नशे हाँ, हाँ फिर एडिक्शन हो जाता है की हाँ नंबर वाले धार्मिक होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है जिसको परिवार मानेंगे जिसको फैमिली मानेंगे उसके लिए पूरी हेल्प करेंगे अगर छह नंबर थोड़ा कुंडली में दृढ़ में नेगेटिव हो तो थोड़े स्ट्रॉन्ग बोलने वाले होते हैं लेकिन दूसरों को लुभा लेते हैं जो शुक्र है तो वो दूसरों को लुभा लेगा किसी से भी ज्यादा वो लॉजिक पसंद नहीं करते कि भाई आप मुझसे बात कर रहे हो आप ये कह रहे हो आप वो कह रहे हो वो ठीक नहीं है बस अपने बोलने से दूसरों को वो लुभा लेंगे ये इनमें खास बात होती है कि दूसरों को बहुत जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं छ नंबर वाले प्रिकॉशन क्या है इनके लिए बहुत ज्यादा फैमिली इमोशंस या बहुत ज्यादा ढीट इनको नहीं होना चाहिए दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया ना कि वो इधर उधर के लॉजिक में बिलीव नहीं करते बस अपने वो अपने से लुभा लेते हैं तो दूसरों का लॉजिक भी समझना चाहिए शुड अवॉइड एंजाइटी आफ्टर अबाउट एनीथिंग किसी भी चीज की कोई एंजाइटी हो रही हो तो उसको अवॉइड करो शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग शुड अवॉइड स्पाइसी फूड फॉर हेल्थ दे डू नॉट लाइक एक्सरसाइजिंग बट शुड डेफिनेटली टेक ए मॉर्निंग वॉक ऐसे लोगों को अक्सर एक्सरसाइज पसंद नहीं होती लेकिन मॉर्निंग वॉक करें तो बढ़िया रहे किसी को ट्रस्ट नहीं करती आसानी से ठीक है वो कोई बात नहींट अदर वूमेन इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ ये तो खैर सभी के लिए है एज इट कैन क्रिएट डिफरेंसिस बिटवीन यू एंड यूर वाइफ लेकिन छः नंबर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है भाई इसके अंदर तो आगे हम ये जब योग पढ़ेंगे डाइवोर्स के या उन चीज़ों के तो उसमें छः नंबर का क्या रोल है वो उसके अंदर आएगा ठीक है तो छः नंबर तक आपको समझ में आया ये लकी कलर्स हैं से लकी जैन स्टोन से मंत्र है अगर वीनस खराब है छः नंबर आपका नेगेटिव है कुंडली में ग्रीड में या दशा में नेगेटिव हो रहा है तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमा ये मंत्र आपको करना है क्या फेवरेबल प्रोफेशन है इनके लिए वो उसमें लिखा भाई है राइटर है आर्ट एटेड फील्ड है फैशन है सिंगिंग है बॉलीवुड है एक्टिंग है डांसिंग है मनी को ये लोग प्रिफरेंस देते ही हैं इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है ये हमारा ये हुआ छ नंबर यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए कि सात नंबर पर चलते हैं हम लोग आज सात नंबर तक हम लेंगे तपन ज्वाइन कर लिया है आपने तपन है नहीं निकाल से चलिए कोई बात नहीं ऑफिस में काम है रिकॉर्डिंग देख लेंगे अब आते हैं सात नंबर पे एक नंबर और कर लेते हैं हम लोग देखिए ये नंबर जो कर रहे हैं ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकी याद रखना। और करेक्टरिस्टिक्स इनकी रटिए मत आप सोचिए कि सात नंबर वाला जो ग्रह है वो क्या है उससे रिलेट कीजिए चीजों को अगर रटेंगे तो कुछ दस में से दो चीज याद रहेंगी आपको लेकिन आप मानेंगे कि शुक्र क्या है या छह नंबर क्या है बीनस है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे आदमी में कामनाएं होंगी बैंड लवर्स होगा प्यारा होगा प्रेमी होगा और सेक्सुअल होगा थोड़ा अपोजिट सेक्स में थोड़ा वो रहेगा तो ये चीज आपको अपना भी आने शुरू हो जाएंगी तो इसलिए हमेशा जब किसी नंबर की बात आप करें तो उसको ग्रह से रिलेट अवश्य करें अब आते हैं सात नंबर और ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं आपको दशा पढ़ाऊंगा ग्रिड पढ़ाऊंगा अगर आपको नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं है या इनकी कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया नहीं है तो आप ग्रिड को उतनी अच्छे तरह से एनालाइज नहीं कर पाओगे दशा को उतने अनुसार एनालाइज नहीं कर पाओगे और उसके साथ साथ प्रोडिक्शन को भी उतने अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा आपसे खास रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है न्यूमरोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़े बहुत हेल्प करेगी उनको क्योंकि हम लोगों की एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा ग्रंथ है इतना महान अपने आप में है कि उसको सारा कुछ कर लेना किसी के बाद एक जन्म की बात तो है नहीं आप पूरा जन्म लगे रहिए तब भी आप एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं जान पाएंगे लेकिन अगर बिमरोलॉजी जान जाते हैं तो थोड़ा वो आपको मदद कर देती है दशा वगैरह में हाँ तो रूट नंबर सेवन जो होता है वो केतु का होता है सेवन नंबर जो पॉइंट है वो केतु का है अब सोचिए इससे कुछ चीजें कुछ पॉइंट क्या हो सकते हैं हम्म दिल, दिल से सोचने वाला हम्म सर सर होते होते हैं हैं प्लानर तो ये भी लेकिन होते हैं बुरा नहीं ज़्यादा सोचते अच्छा ठीक है मतलब और uh, like uh, बहुत अच्छे होते हैं मेडिटेशन में बहुत डीप थिंकर होते हैं दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट से दे डोंट लाइक हाँ वो भी सिवाना बताया जल्दी डिटैच हो जाते हैं किसी भी चीज से ना जल्दी डिटैच होते हैं हम्म और सोचिए आप लोग मैं... सारा अपने आप बता रहे हैं मैं आपको नहीं बता रहा हूँ न्यूम्रोलॉजी मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको मैं तो ग्रह बता रहा हूँ आपको और ये बहुत अच्छी बात है कोई नया बच्चा पढ़ रहा होता जिसने एस्ट्रोलॉजी दा पढ़ी होती वो न्यूमरोलॉजी पढ़ता तो उसको रटनी पड़ती ये चीजें आप लोगों को तो खुद ही इतनी सारी करेक्टर्स याद है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मैं तो आपको थोड़ी फालतू वैसे ही बता रहा हूँ

नहीं नहीं हाँ निमी में दृष्टि मत लगाइए आप वो छोड़ दीजिए अच्छा अच्छा हम्म ठीक है आप लोगों ने सब बताया एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आप बता देता हूं आज ताकि आपने करीब करीब सारे पॉइंट्स कवर कर लिए सेवन नंबर वाला राक्षस होता है केतु केतु है हमारा ग्रह इंडिपेंडेंट नेचर होती है पर्सनैलिटी इनकी डिफरेंट होती है अदर से जैसे आप लोगों ने कहा कि कोई अपने आप को अंदर रहना पसंद करते हैं अपने आप को पसंद करते हैं खाली ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद करते तो वो ये इनके अंदर होती है दे कैन एक्सल इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड अगर किसी ग्रिड के अंदर पॉजिटिव सेवन है तो वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फील्ड के अंदर बहुत सक्सेसफुल होते हैं सेवन नंबर वाले अनलेस नेगेटिव सेवन हो अगर वो ना हो सेवन नेगेटिव ना हो तो वो बहुत सक्सेसफुल होंगे आर अनस्टेबल इन नेचर कैन बी ए गुड पॉइट और राइटर क्योंकि थोड़ा डिटैच होते हैं अपने आप को पसंद करने वाले होते हैं तो ये एक अच्छे पॉइट और एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। हैव गुड इमेजिनेशन पावर इफ दे राइट ए बुक दे कैन रीच गुड हाइट्स अगर किताब लिखें तो बहुत हाइट तक पहुंच सकते हैं they want to explore everything possible. If they become religious, they can go beyond the limits and become a yogi. सात नंबर वालों को ये है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उनका. चीजों को बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं. They are not so materialistic. दे वुड यूज देअर फाइनेंस फॉर सोशल वेलफेयर बहुत ज्यादा मेटरिस्टिक नहीं होते बल्कि अपना पैसा खर्च कर देते वोमेन बीथ रूट नंबर सेवन ये थोड़ा सा आर टू टें अबाउट देयर फ्यूचर बट दे गेट मैरिड ए फैमिली वेयर दे गेट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर देयर फ्यूचर किसी का रूट नंबर सेवन है तो शादी से पहले वो थोड़ा टेंस रहती हैं थोड़ा सोचती हैं कि फ्यूचर कैसा होगा कि कैसा नहीं होगा लेकिन एक बार मैरिज होने के बाद बहुत स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में होती है बहुत सिक्योरिटी इनकी लाइफ में होती है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है कैन अट्रैक्ट अदर पीपल्स इजिली मेक गुड बिजनेस मैन यही कैरेक्टिक है इनकी नेगेटिव टेंडेंसी भी इनमें होती है इनको हर क्यों का जवाब चाहिए दे वॉन्ट एवरी रीजन कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा अगर आपसे कोई कह देता है यार के, के क्यों ऐसी बोल गया यार क्या यार आप तो ऐसी बातें करते रहते हो ये सब चीजें हैं तो उसमें घुस जाएंगे आपने ऐसा क्यों कहा नहीं नहीं वो कहेगा जी मैं तो वैसे ही कह दिया था मजाक कर रहा था मैं तो अरे नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे थे आपने बताओ ना आपने क्यों कहा या कई लेडीज होती हैं जो बहुत ज्यादा सोचती रहती हैं कि उनसे पूछो कि भाई कहाँ गए थे वहां गया था क्या कर रहे थे ये कर रहा था किसके साथ थे उसके साथ था मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन हर क्यों का जवाब चाहिए उन्हें ये थोड़ी सी टेंडेंसी होती है इनके अंदर नेगेटिव सेंस होती है अगर सेवन इनका नेगेटिव सेवन नेगेटिव कैसे होगा पॉजिटिव सेवन क्या होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये लोग ऐसे होते हैं कि इनसे बोलो बेटा तेरी बॉसी आ रही है तो बहुत खुश हो जाएंगे फिर बोल दो आप आपके कमरे में रहेंगी तो परेशान हो जाएंगे संतोषी होते हैं आध्यात्मिक किसी ने कहा था उसके अंदर बहुत अच्छी बात है स्पिरिचुअल होते हैं थोड़े चिड़चिड़े भी होते हैं केतु वाले दशा जब केतु की आती है तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा बन जाता है ऑलवेज थिंक अबाउट फ्यूचर ऐसे लोगों पे जिनका रूट नंबर सेवन है उनके ऊपर ब्लेम लग सकता है उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए लाइफ में अपना नीड मोर लॉजिक बाल की खाल निकालना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इनमें हो जाती है कि हर चीज का लॉजिक चाहिए ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों हर क्यों का जवाब चाहिए थोड़े डाउटफुल होते हैं डबल चेक करते हैं चीजों को इमोशनल होते हैं सेवन नंबर भी इमोशन का होता है अगर किसी कुंडली किसी ग्रिड के अंदर नेगेटिव सेवन हो तो ऐसे लोग भी एंजाइटी प्रोन होते हैं दो नंबर वाले पांच नंबर वाले सात नंबर वाले वायरल इन्फेक्शन होने का डर रहता है इनको क्योंकि केतु जो है वो वायरल कारक भी है इंफेक्शन कारक भी है हम जानते हैं सर्जरी केतु कहते हैं ना कुछवत केतु मंगल की के तरह होता है केतु तो सर्जरी कारक भी है इजिली इंफ्लुएंस्ड बाय एन निरलाई दिस नंबर इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन किसी की नजर इनको जल्दी लग सकती है सात रबर वालों को अपने अंदर इनको आप चिंतन करना चाहिए अपना उनको ध्यान रखना चाहिए ये प्रॉब्लम इनके अंदर होती है प्रकॉशंस शुड नॉट बी टू इमोशनल अपने विचारों में स्टेबिलिटी लानी चाहिए थोड़ा फिजिकल काम भी करें दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट मत हों अपनी प्रोग्रेस के लिए यू शुड वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर राधर देन गवर्नमेंट विल टेक यू टू द्रेट गाइड्स अगर सात नंबर वाला कोई आदमी है मैन है तो दे शुड नॉट अंडरस्टिमेट देयर बाइस शुड नॉट बी टू फ्रेंडली विद अदर वुमेन अवॉइड एंड अल्कोहल सात नंबर इमोशन का भी है तो एन्जाइटी क्रोन भी है मैडिएट थोड़ा मैडिएट करो थोड़ा स्किन प्रॉब्लम से बच के रहो स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है उससे बच के रहना चाहिए शुड बी टेकन केयर ऑफ ये प्रिकॉशन होती है इसकी अगर सेवन नंबर नेगेटिव है आपकी ग्रिड के अंदर तो इन लोगों को नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए डिफिकल्ट टाइम्स और मंत्र है ओम श्राम श्री श्रोम सह केतवे नमन ये हमारा सेवन नंबर तो हमने यहां तक पढ़ा सात नंबर तक आज अगली क्लास में हम आठ नंबर से नौ नंबर शुरू करेंगे और फिर आगे कैसे हम लोग नेम रखते हैं कैसे नेम चेंज करते हैं वो सब पढ़ेंगे कैसे मोबाइल नंबर होना चाहिए हमारा क्या हमारा नाम होना चाहिए ये जो क्लासेस हैं इसके अंदर आप ये ध्यान रखिए कि एक तो कॉपी एक पेन एंड थर्ड थिंग जो मैंने आपको भेजा है पीडीएफ वो पीडीएफ एवरी टाइम इट शुड बी रेडी विद यू तो वो ध्यान आपको रखना है किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए सर पीडीएफ मेरे पास नहीं आई और किसके पास एफ नहीं आई मैंने मैंने आपको भेज दी थी सर, दूसरी को... क्लास रिकॉर्डिंग 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 सर सर जो थी आई डोंट हैव पीडीएफ अच्छा ठीक है सुमन ऐसा करेंगे मंडे को क्योंकि संडे तो ऑफिस बंद रहता है मंडे को मैं अंजलि से आपको भी और अरुण जी आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा ठीक है और अगर ऐसा हुआ करे कि रिकॉर्डिंग ना हो तो आप डायरेक्टली बात कर लिया करो उनका नंबर अंजलि का नंबर आपके पास है वो तो जब ही आपको भेज देगी और कोशिश करो कि, कि रिकॉर्डिंग जब भेजी जाए उसके 24 फोर आवर्स के अंदर ही उसको डाउनलोड कर लो क्योंकि वो गूगल ड्राइव पे इकट्ठी हो जाती है तो उसके लिए हमें स्पेस नहीं मिल पाता ठीक है सिद्धि सब ठीक है जी सर अच्छा ठीक तो आज यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे साढ़े सात बजे धन्यवाद जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण thank you thank you